ट्राई कर देता हूँ, मेरे को टागर लगाने में डर लग रहा है। तो अगर कोई एनजीओ है जो हमारी हेल्प कर सकता है। गुड मॉर्निंग पीपल, आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो माय नेम इज सेतु एंड यू गाइस आर वाचिंग द गाय ऑन रॉड्स। तो आज हम जहाँ पे काम करने जा रहे हैं, दैट प्लेस इज वेरी स्पेशल, और उसके लिए हमें बुलाया गया 6:30 पे एंड इट्स 5:45 राइट नाउ। सो सेतु शर्मा इज नॉट लेट टुडे, बट इतनी सुबह सुबह जाना विदाउट ब्लैक कॉफी नॉट हैपनिंग। आज हम जहाँ काम करने जा रहे हैं वहाँ पहुँचने के लिए द गाय ऑन रोज को रोज का सहारा छोड़ना पड़ गया है। अच्छा, बाय द वे, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर माय वॉइस, क्योंकि आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। टाइटल से तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। तो अब हम जा रहे हैं यहाँ पे दिए बनाने। ऐसे चलो, जैसे आटा सानते वैसे ही सानना है, पर वैसे मैंने आटा भी साना नहीं आज तक। मतलब इसको एक तरीके से पूरा ऐसे मिलाते जाना है पूरा, चिपके नहीं थे। अच्छा, इसमें पानी अभी नहीं मिलाना, बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं मिलाना। अरे बाप रे, सारी पकड़ेगी नहीं, कितना सानने के हाथ में नहीं लगेगा। अच्छा, बहुत ताकत चाहिए मेरे को लगता है। सही में जिम में हम लोग पता नहीं क्या करते हैं, सिर्फ बॉडी तो बना लेते हैं, पैसा देते हैं। हाँ, एक जो राख कपास है ना, लगना चाहिए नहीं, नहीं लगना चाहिए। अच्छा, इसको मिलाइए ऐसे ही, मिलाइए ऐसे। अच्छा, ऐसे ही मिला दूं मैं, जैसे आटा वो करते हैं पूरे। हो गए, बोलना बन गए, एकदम सही बन गए। पूरी मेहनत लग गई भाई। ये कितने किलो का बन गया अंकल? होगा तो 5 किलो से कम तो नहीं। क्या बात कर रहे हैं, मैं उठाऊं डंबल की जगह? यार ये, हाँ यार ये कम से कम 5 किलो का है। चलिए मैं ले चलता हूँ, ये एकदम बीचों बीच, ठीक है। अब लगा ये इसमें हाथ आराम से, ऊपर चले जाइए, ये पानी हाथ में लगा चलेगा ना? हाँ हाँ, आराम से लगाइए, आराम से, थोड़ा ताकत लगा के, ताकत लगाइए। मेरे को ताकत लगाने में डर लग रहा है, खराब ना होए बस। हाँ ये तो आप बहुत ताकत लगा रहे हैं, ये तो मैं अंकल की सिर्फ उंगलियों को ही फॉलो कर रहा हूँ। ये पूरी की पूरी हाथ की सफाई है। हाँ, हाथ की सफाई। अच्छा, इस पे अलग से वो फंसाने के लिए बना हुआ है, और फिर रुकता नहीं है बीच में अपने आप, ये चलता ही जाता है वो पूरा। अंकल आप कितने सालों से कर रहे हो? 30 साल से आप बना रहे हो? तो ये हर दिवाली पे बनाते हो या 12 महीने बनाते हो? 12 महीने बनाते हो। मटका कब बनाएंगे? मेरे को मटका भी देखना है यार, मटका कितना सही लगता है, इतना बड़ा सा, वो भी ऐसे ही एक बार में बन जाता है एक ही उससे। हाँ, हाँ। कितना स्मूदली ऐसे अंकल ने डंडे से खिला दिया पूरा। और इससे इस लोंदी से कितने वो बन जाएंगे अपने? 10-12 बन जाएंगे इतने से उससे। तो अंकल आप ये रोज सुबह सुबह बनाते हैं और फिर दूसरे काम पे निकल जाते हैं? जी जी हाँ, जो जैसा टाइम मिला, जैसा टाइम मिला उसके हिसाब से ये बना के। जैसे अभी दिवाली का टाइम आ रहा है तो अपन ने दिए बना लिए पहले से, अभी दिए भी बनाएंगे और दिवाली के लिए सब बनाएंगे। तो कितने दिए बनाते हैं मतलब एक दिन में, अगर आप बनाते तो? 400-500 दिए। कितनी देर लगती होगी उसको बनाने में? 2-3-4 घंटे मतलब ऐसे ही बैठे बैठे वो, क्योंकि एक बार स्टार्ट करते हो आप तो पूरा ही खत्म करके उठते हो गए। नहीं, अब जैसे धीमा हो गया तो फिर लगाना पड़ेगा। कितना अच्छा दिख रहा है वो अभी, मतलब एकदम, और उसमें फिनिश भी है, मिट्टी में मेहनत भी लगती है, वही बहुत मेहनत का काम है ये। गोबर को छानना, राख को छानना, एक कचड़ा ना रहे, और फिर उसको काटना भी कितना इजीली काट लिया। हाँ, मुगरी से कूटते भी उसको, जैसे गद्दा कूटा जाता है। अरे ये काम के लिए मेरे को आपको बुलाना चाहिए था, सारी कुटाई कर देता मैं उस पे। अभी ये जैसे धीमे हो गया तो इसको तेज करूं मैं? तो मैं घुमाऊं यहाँ पकड़ के, ऐसे ऐसे घुमाना। बाप रे, अंकल ने इतने तेज घुमा दिया था और मेरे को यहाँ बहुत, कितनी स्ट्रेंथ लग रही है इसको घुमाने के लिए। वजनी है ही, बिल्कुल वजनी है। बस अंकल और घुमाना है, बच गया, उस पे लग जाती अभी मेरे से।
जब से ये चाइना की लाइटें और जो नकली दिए आ गए हैं मार्केट में, तो इसकी वजह से इन सब की जो बिक्री है बहुत कम हो गई है ना। ओरिजिनल ये ओरिजिनल है, और ये बिल्कुल एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं है कि अपन प्लास्टिक का सामान खरीद खरीद के इतना हैम्पर कर चुके हैं एनवायरनमेंट को कि अब इट्स टाइम टू स्विच बैक टू ओरिजिनल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स। हल्का हाथ लगाना है, हल्का सा एकदम, हल्का हल्का दबाना पड़ेगा, ऐसे हाथ लगा लिया और ऐसे अंगूठा दबा। पानी नहीं है इधर, या मत चल है इसको बड़ा करने के लिए, इसको थोड़ा ओ आराम से, थोड़ा सूखा हो गया, पानी डालना पड़ेगा उस पे। नहीं है इसमें, मैंने गड़बड़ कर दी। ये तो सही हो जाएगा ना अभी उसी में। देखो मैंने ट्राई तो किया पर मैं चाह नहीं रहा हूँ कि वो थोड़ा भी खराब हुए। तो अंकल का ये कहना है कि अगर वहाँ पे मशीन का अच्छे से पता चल जाए तो ये घुमाने की जो मेहनत है, जो सबसे ज्यादा मेहनत है इसमें, वो नहीं करनी पड़ेगी। जब मैं इतना यंग हूँ उसके बाद मैं 2-3 राउंड घुमाने के बाद थक गया तो अंकल को कितनी मेहनत लगती है ये चीज करने में, दिन भर घुमाना है। तो अगर कोई एनजीओ है जो हमारी हेल्प कर सकता है तो प्लीज यू गाइस कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन मेल इट टू अस, you can call us, you can contact us through Instagram or Facebook and we can work it out ki hum kaise uncle ki madad kar sakte hain is cheez ke liye। mehnat ke sath sath samay hi bach sakta hai, jo ek samay humko ghumane mein laga, time laga, mehnat lagi, wo samay mein ek banane mein lagegi, ek ban jayega, ek ban jayega, sahi bol rahe hain। 2 hours later I am almost home और मुझे वहाँ पे काम करके ना एक चीज़ समझ में आई कि अंकल कैमरे के सामने उतना फ्री नहीं हो पा रहे थे। तो उसके बाद हमने और बातें करी और चीज़ें समझा मैं उनसे, जाना उनको मैंने, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि बहुत मेहनत करते हैं वो और दिवाली के लिए बहुत दिए बनाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम चाइनीज़ लाइट ले आते हैं, चाइनीज़ दिए ले आते हैं अपनी अपना काम बचाने के लिए। सो दिस ईयर लेट्स से नो टू चाइनीज़ प्रोडक्ट्स, लेट्स से नो टू चाइनीज़ लाइट्स। तो इस दिवाली हम दिए लगाते हैं, हमारे दिए लगाने से उनके घरों में भी कितना उजाला होएगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मी डूइंग मोर अमेजिंग जॉब्स, और प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड टेल देम कि इस साल हम दिए लगाएंगे। वेरी सून आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड नाइट।